Mother Nature, awe-inspiring in all its splendor, revered. The life giver. हमारे लिए ये नदी जो है वरदान भी है और श्राप भी है और सब गंगा जी मंदाकिनी नदी ले गई बस ऊपर से फ्लैट आया तो सब ले गई। ये गांव है ना इधर देवली भाणी ग्राम, तो इस ग्राम का नाम विधवाओं का ग्राम। जब वहाँ एक भी जेंट्स नहीं बचा कभी किसी भी जगह हो, भगवान ऐसा किसी को ना करे। Garhwal was one of the worst affected regions during the Uttarakhand floods. The survivors, numb with shock, were soon wrapped with immediate reliefs like food and water, clothing, woolens, solar lanterns and medicines. But the 6 month long pilgrimage season that they heavily depended on for their livelihood ceased to exist. The villagers, especially the elderly and the widows, were supported with cattle rearing enterprises and petty shops. The majority whose sustenance depended on agriculture waited still for their respite. They started migrating to neighboring towns, cities and metros in search of a livelihood. It was now time for thinking of sustainable options that would not take the villagers away from their homeland. 5 blocks were chosen for intervention. इसमें हमने सबसे पहले ये किया कि परिस्थिति का आकलन किया। प्रशिक्षण में मतलब विशेष करके खास करके सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई उनको जो है उस पर वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो जो सॉइल टेस्ट हम लोगों ने कराया, मृदा परीक्षण 250 किसानों का हम लोगों ने मृदा परीक्षण कराया था जिसमें कि बहुत अच्छा पाया गया। क्योंकि पहले हम पारंपरिक खेती करते थे जिसमें गेहूं, चावल या दालें होती थी, अब इन्होंने जो मटर, आलू, सब्जी, लहसुन, प्याज, इसके बारे में जो जानकारी दी है वो पहले हम नहीं जानते थे। ऐसे दिया कि हम इनको बीज भी दिया, फिर हम फ्रास बीन दिए इन लोगों ने हमें। तो पहले हम ऐसे फेंक के बोते थे, तो इन्होंने बताया ऐसे नहीं बोया जाता है, इसे ऐसे अलग अलग जगहों में रख के बोया जाता है। और आलू काटने भी सिखाया हमें को इस तरह से काटना है, और इन भी सिखाया कि ये तरह से हम इन काटे इन 3 दिन पहले आलू काटे, 3 दिन बाद आलू लगाए। धड़ी बनाना सिखाए हम तो सोचता ना कि मोटी मोटी धड़ी बनाना ना। पहले जैसे हम एक नाली में 40 किलो लगाते थे, तो अब हम उसे काट के लगाते हैं, तो एक नाली में हम 3 किलो लगाते हैं। जैसे आलू हुआ, कच्ची गोबर डालते थे, उसे जो है आलू में कीड़े लग जाते थे। पहले जो है 2 किलो आलू जब हम लगाते थे तो उसमें 5 किलो मिलता था, और अब जो है 5 किलो जगह हमको जब हम पुराने गोबर डाल रहे हैं तो हमको 7 गुना फायदा हो रहा है। जो हम पहले खेती करते थे तो उसमें हम मेहनत ज़्यादा करते थे और उत्पादन कम होता था। अब जो खेती होती है मेहनत हमारी कम है और उत्पादन ज़्यादा। हम अपने क्षेत्र में संयुक्त जैसे पूरी मोहल्ला की लेडीज पहले अकेले काम करते थे, जब संस्था ने हमें कुछ बीज दिया तो हम संयुक्त में काम करते हैं। These 1,500 farmers were encouraged to form producer group in their respective villages, and these groups were soon organized into larger federations. And from here, the aim is to form producers' company for more solid and sustainable solutions, mainly taking them away from the vicious cycle of traders and money lenders. तो हम लोगों ने ये कि जो किसान जो कमा रहा है, जो उगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, क्यों ना वो मेहनत के साथ साथ पूरा का पूरा लाभ ले पाए, इसके लिए हमने उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया कि प्रोड्यूसर कंपनी से क्या क्या लाभ होंगे। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप बीज खरीदने से लेकर बेचने तक
आपकी क्षमता का बहुत विकास होगा, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका जीवन स्तर पे भी आपका सुधार आएगा, आपके हर प्रकार से आपकी ग्रोथ होगी। For 1,500 farmers, it has been a rebirth of hope. This is just a beginning. The journey to empower will not stop till this hard-working simple folk are strong enough to face any disaster and come out unscathed.